कस्टमर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं इसमें से एक और बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी देख सकते हो। आप मान लो इसमें का जैसे चार नंबर ही देख लो, ठीक है, चार नंबर ही देख लो, कोई भी देख सकते हो। ये सारे तो एक ही टाइप के है ना। लास्ट के एक दो और इसमें बता दूंगा मैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा फिर FX बराबर, क्योंकि सब तो एक ही टाइप का है, बेकार में हमारा टाइम बर्बाद होगा और आप लोग का भी। चलिए देखते हैं, इतना दिया हुआ है 8 + 36x + 3x² - 2x³। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो जीरो, यहाँ पे 36 + 6x, ठीक है, 6x हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 6x², इसको सीधा करके लिख सकते हैं, माइनस का 6x² + 6x और प्लस का 36, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस का 6 कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा x² - x और माइनस का सिक्स, 6 कॉमन किया ना, माइनस 6। चलिए अब देखिए, अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका मैं यहाँ पे गुणनखंड कर लेता हूँ, तो हो जाएगा -6 यहाँ पे x² - 3x और +2x, हो जाएगा यही ना होगा आपका, -6 यहाँ कॉमन करेंगे x - 3 +2 कॉमन करेंगे x - 3, यानी कि -6 यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 2 × x - 3, ये आपका f डैश x रहा। अब चलिए यहाँ पे इसके शून्य को दो निकालेंगे ना, चलिए एफ डैश एक्स के बराबर में 0। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे अलग अलग करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा x + 2 = 0, x - 3 = 0, x - 2 और x = 3। चलिए अब देखते हैं एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नंबर लाइन ले लेता हूँ। चलिए इधर आपका इन्फिनिटी और ये आपका माइनस इन्फिनिटी, -2 इधर होगा और 3 आपका इधर होगा। चलिए इसके बीच में अगर मैं कोई बिंदु लूँ तो इसके बीच में -3 भी है, -4 भी है, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लो -3 लेते हैं, तो -3 लोगे तो यहाँ देखो, यहाँ -3 रखोगे तो -3 + 2 माइनस का आ जाएगा, आएगा ना -1 और ये -6, तो +6 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ देखिए -3 रख रहे थे तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पे आपका दोनों माइनस में, तो ये माइनस में ही आएगा और यहाँ ये दोनों प्लस में। देखिए ये हुआ माइनस में, या -3 रखने से ये तो माइनस में है ही, और ये आपका माइनस में और ये भी आपका माइनस है, तो तीनों माइनस में, तो -, -, +, +, -, यानी कि इसमें निगेटिव रह रहा है। इसके बीच में, तो इसके बीच में 0 भी ले सकते हैं ना, चलिए 0 ही लेते हैं, तो ये 0 लेंगे तो ये पॉजिटिव, 0 लेंगे तो ये निगेटिव, तो -, -, +, ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ रहे ना। 3 से इन्फिनिटी के बीच में, जैसे 4 ले लो, 4 लेंगे तो ये 6 प्लस का होगा, यहाँ 4 लेंगे तो ये प्लस का, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस ही आएगा। चलिए तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, पहला कंडीशन कि यहाँ देख रहे हैं कि अंतराल -2, 3 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो रहा है, इसमें 0 से बड़ा हो रहा है, इसलिए एफ एक्स अंतराल कौन सा है, -2, 3 में वर्धमान फलन है। अच्छा दूसरा देख रहा है, अंतराल -∞ से -2 और 3 से ∞ में एफ डैश एक्स जो है 0 से छोटा है, इसलिए एफ एक्स -∞ से -2 यूनियन कर देते हैं, दोनों में हो रहा है ना जी, 3 से ∞ में ह्रासमान फलन है, ठीक है। तो कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, देख रहे ना, बस ये चिन्ह योजना के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना है। चलिए अब देख लेते हैं एक का एक बात।